हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, बॉलीवुड में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही हुआ था अभिनेता चंद्रचूड सिंह के साथ भी। बीमारी की वजह से उनका फिल्मी करियर खराब हो गया, लेकिन चंद्रचूड सिंह के छोटे भाई ने फिल्मों में विलेन बनकर ऐसा कमाल किया कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते। आज चंद्रचूड सिंह का ये भाई सिनेमा का उभरता हुआ सितारा है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता अभिमन्यु सिंह की, जिन्होंने साल 2021 में आई फिल्म अक्स से फिल्मी पर्दे पर दस्तक दी थी। हालांकि इसके बाद अभिमन्यु को काफी संघर्ष करना पड़ा और फिर साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म गुलाल में उन्होंने रणविजय का किरदार निभाकर सबको चौंका दिया। गुलाल में रणविजय के किरदार के लिए अभिमन्यु को साल 2010 में स्टारडस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया। साल 2010 में आई फिल्म रक्त चरित्र में भी अभिमन्यु के किरदार को काफी सराहना मिली। खलनायक के किरदार में वह हीरो पर भी भारी पड़ने लगे। हिंदी फिल्मों में नाम कमाने के बाद अभिमन्यु ने टॉलीवुड में भी अपनी खलनायकी की छाप छोड़ी। उन्होंने तमिल की सुपरहिट फिल्म 10 का दम में जबरदस्त किरदार निभाया। अपने बेहतरीन काम के लिए अभिमन्यु को 2013 में SIIMA अवार्ड से भी नवाजा गया था। उन्हें अवार्ड साल 2012 में आई फिल्म गब्बर सिंह के सर लिए मिला था। फिल्मों के अलावा अभिमन्यु कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं।